المسجد المسلم وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. आज हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मना रहे हैं। आज के दिन यानी 15 अगस्त को ही हमारे मुल्क को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। आज हिंदुस्तान की तारीख का इंतहाई अहम दिन है। वर्षों की जिद्दोजहद, जानो माल की कुर्बानी, कैदियों के सुपुर्दों के बाद आज हमें आजादी का परवाना मिला। आज 15 अगस्त के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में जश्न आजादी के ताल्लुक से प्रोग्राम होते हैं और इसमें आजादी की तारीख बयान की जाती है। मगर अफसोस, आज हिंदुस्तान की आजादी की जो तारीख बयान की जाती है इसमें सच्चाई और इंसाफ का भूल किया जाता है। जंग आजादी का तारीख का जिक्र करते हुए आज हिंदुस्तान के नाम निहार खैर पहले किसी मुसलमान का नाम नहीं लेते। हालांकि मेरे भाई और दोस्तों, हिंदुस्तान की तहरीक में जिस तरह हिंदू भाइयों ने मेहनत की, सिख भाइयों ने कुर्बानियां दी, उसी तरह हम मुसलमान भाइयों ने भी अपने दिल आजाद हिंदुस्तान की तहरीक की। हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक उस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक के अशफाकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम ना लिया जाए, जब तक के मौलाना अबुल कलाम रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा ना किया जाए, जब तक मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह को खराज हकूमत पेश ना किया जाए, जब तक टीपू सुल्तान जैसे मर्द मुजाहिद का जिक्र ना किया जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, इंतहाई अफसोस का मकाम है किस कदर के इंतहाई अफसोस का मकाम है। एक तरफ फिरका परस्त ताकतें आज हिंदुस्तान की आजादी की तारीख से मुसलमान के खून को मिटाने के नापाक कोशिश कर रही है, तो ही दूसरी तरफ मुसलमान नौजवान को जंग आजादी की तारीख का और जंग आजादी का किरदार का कुछ भी इल्म नहीं। उसे जैसे और जिधर हाथा जा रहा है वो उसी रुख पर चला जा रहा है। दोस्तों, मेरे भाइयों, उस हिंदुस्तानी मुसलमान इस देश के लिए अपने जान भी दे सकते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के सरजमी से रुखसत हो रहे थे तो अहले वतन के सुनने ज्यादा किस से आप अपने वतन अजीज कर रहे थे, तो उस वक्त आप खाना काबा की तरफ देखते हुए आपने आंखों से आंसू जारी थे और आप ये कह रहे थे कि मैं इस शहर को, इस सरजमी को छोड़कर किस लिए नहीं जा रहा हूँ, इस सरजमी से मोहब्बत नहीं है, बल्कि इस सरजमी को छोड़कर मैं किस लिए जा रहा हूँ, इस सरजमी के पास मुझे यहाँ का देश नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज यौम आजादी के मौके पर हमें अपने विराजमान के अंदर एक बार फिर ये अर्ज कर देना चाहिए कि इंशाल्लाह वतन के लिए जान देने की जरूरत पेश आई का वह कुर्बानी हमें अपनी मां से देनी पड़े कि आपको दौलत से हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। हमारे ही असलाफ थे जिन्होंने मार्टा के 15 तारीख
आज लोगों से प्रश्न करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान की तारीख से मुसलमान के नाम मिटाना इतना आसान नहीं। हर दौर और हर सदी में जब जब हिंदुस्तान का असर होगा, हिंदुस्तान की कुर्बानी का असर होगा, काला पानी का असर होगा, तो उसे खुद ब खुद पूरे मुस्लिम चमकता हुआ नजर आएगा। मेरे दोस्तों, मुसलमान इस मुल्क से इस वतन से मोहब्बत करता है मगर उसकी इबादत नहीं करता है। अब मैं अपनी बातों को यही से खत्म करता हूँ शेर के साथ। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन मैं तुझको पूरा समझूं ये इंकार नहीं है। बिल्कुल को फुल मुबारक तुमको चमन मुबारक बिल्कुल को फुल मुबारक तुमको चमन मुबारक हम देख रहे हैं हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।